यही तो दिक्कत है सर, ना भेजे तो कॉल आता है। अभी तो एस वाई कॉल निकल गई है, उसको दो तीन दिन से नहीं भेजा था सर। वीडियो नहीं भेजे, वीडियो नहीं भेजे, और इतना वीडियो भेजा तब तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। पिंडा स्पीच डॉट कॉम डायरेक्ट वर्सेस पिंडा स्पीच। और ये पिंडा स्पीच डायरेक्ट स्पीच, समवन वर्ड्स, किसी ने कुछ बोला है तो सेम वर्ड डिक्टो कॉपी आपने मेरे को आके बोला। जैसे जिन डेट किसी स्टूडेंट के घर पे मैंने बोला गट्टू जाके उस घर पे फिजिकल बोलना दो, हो गया। और उधर से जो रिप्लाई आया वो डिक्टो वर्ड में बोला आके, जैसे गट्टू बोलता है तेरे को नहीं बोला क्या कर ले निकल, सर मुझे बोला तो मेरे को बोला नहीं सर उसने ऐसा बोला। सेम डिक्टो वर्ड उसने जो वर्ड बोला थर्ड पार्टी ने और आपके मुझे ऐसे वर्ड बोल दिया विदाउट एनी एड मिर्ची मसाला, ओके दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। भारतीय कल्चर है तो उसमें मिर्ची मसाला लगाने की हमारी आदत है, उसमें थोड़ा और अपने से ऐड कर दिए, ओके ना। मान लो अभी मनीषा या मान लो श्रद्धा छह दिन के वो बोली थी लास्ट 30 तारीख को आऊंगी सर, ओके ना, नहीं आई। लक्ष्मी उसकी खास है, लक्ष्मी जाके बोले श्रद्धा चलो सर ऐसा ऐसा बोल देगा जब जाएगी तो लेकर ये और पांच छह ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा नो हमारा भारतीय गर्ल से भाई ऐड करके बोल दी कर दिया। किसी के वर्ड को डिक्टो वैसे ही कॉपी करते हम लोग तरीका क्या है कंप्यूटर क्या वर्ड बोलते कॉपी पेस्ट ना, उधर पे दिया क्लिक कोई और पार्ट सेम कॉपी करना कर दिया डायरेक्ट स्पीच। उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो आप ओके डाउन पॉज कर लड़की पॉज कर उसको ऊपर वाला आ रहा यानी डायरेक्ट स्पीच द डिक्टो वर्ड, डिक्टो वर्ड मतलब कार्बन कॉपी एज इट इज दैट्स गुड। ऑफ द फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर टू थर्ड वर्ड, पहला पार्टी का वर्ड मैंने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया, कौन ट्रांसफर किया सेकेंड पार्टी बी से, ए ने बी को बोला कुछ और बी ने क्या किया चुगली कर दिया, बोले चुगली करना बी का ए का पूरा वर्ड जाके कॉपी कर दिया। सो द डिक्टो वर्ड ऑफ फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी बाय द सेकेंड वर्ड इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल राज सेड टू मीना ही वाज नॉट वेल, अब बिना जाके किसी बोल जाएगा ही वाज नॉट वेल, तो मीना ने राज के वर्ड को क्या किया डिक्टो कॉपी ट्रांसफर कर दिया दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अगर हम लोग पढ़ाई लॉजिक में करेंगे बेटा कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी आए ना समझ लेना डायरेक्ट स्पीच, ओके। हिंदी में कैसा आता था किसने किससे कहा हु सेड टू हुम, तो हु सेड टू हुम कौन तो ही सेड राज सेड टू मीना ही वाज नॉट वेल, ये क्या है डायरेक्ट स्पीच है। बट द फर्स्ट पार्टी कन्वर्सेशन ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी बाय मॉडिफाइंग द चेंजिंग, तो इसमें भी मोदी लिख रहे हो हाँ सब जगह मोदी, ये मॉडिफाइंग है, ओके मॉडिफाई मतलब चेंज करना है ना, सम टेंस सम पर्सन कैसे करेंगे सब बात देखते हम लोग। तो पर्सन वो है क्या, व्हाट इज द इंडायरेक्ट स्पीच, तो मॉडिफाइंग और टेंस द पर्सन इट इज कॉल्ड इंडायरेक्ट स्पीच। किसी की बातों को कुछ चेंजेस करके आप अगर ट्रांसफर करते हो दैट इज इंडायरेक्ट, किसी की बातों को आप सेम डिक्टो पेस्ट कॉपी कर देते हो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ए सेंटेंस को जब राज टोल्ड मीना दैट ही हैड नॉट वेल, ही वाज नॉट वेल का मतलब ही हैड नॉट वेल, अब मैंने वाज का हैड क्यों लिखा वो बाद में आएगा दिल्ली, ओके। फिर मैंने सेड टू को टोल्ड किरा दिया,
फिर मैंने डैट किया और इन्वर्टेड कॉमा सब रिमूव किया हूँ, वो सब कुछ रूल्स है बाद में आएगा, ठीक है ना। अब हमने याद रखना डायरेक्ट स्पीच वर्ड से इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच मतलब कार्बन कॉपी द सेम वर्ड टू द समवन, इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स द फर्स्ट पार्टी कन्वर्सेशन विद एडिंग सम मिर्च मसाला एंड देन ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी, इट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट स्पीच। बराबर रहे हैं? ओके चलो मैं चल दीदी।